कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के न्यू व्लॉग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुंब्रा। सबसे पहले हम जाएंगे बाबा बकर की दरगाह पे, क्योंकि वहाँ जाए बिना तो हमें चैन आता नहीं है। मुंब्रा जाएंगे तो सबसे पहले हमारी हाज़िरी वहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम जाएंगे क्योंकि अभी 11वीं शरीफ की नियाज भी आ रही है माशाल्लाह। वो महीना शुरू होने वाला है 11वीं का, तो उसके लिए जो है कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, तो वो शॉपिंग अभी हम निपटाएंगे। क्योंकि अभी जो है हम लोग को उसके बाद अवाठी भी जाना है, वहाँ पर जो बहुत बड़ा उरूस होता है, प्रोग्राम होता है, तो उसका फुल ब्लॉग भी आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेगा। तो उसके लिए भी जो है फुल मैं एक ब्लॉग डिटेल में बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे वो भी किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप एक फुल व्लॉग बनाओ पूरे रास्ते का एंड ऑल। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे शॉपिंग निपटाते हैं। और अभी हम लोग निकले और अभी बज रहे हैं 2:30 दोपहर के, तो पहले कुछ खाएंगे फिर आगे जाएंगे दरगाह पे भी करेंगे शॉपिंग। तो ऐसे ही बने रहिए। सबसे पहले थाने में हम यहाँ पर रुक गए थे मनीष कैफ़े में, और यहाँ पर हमने ये मंगाया था इडली और मेंदू वड़ा, और ये है उपमा, और इसके साथ साथ हमने मंगाया था सादा डोसा। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम गए दरगाह पे और वहाँ पे कुछ देर बैठे, दुआएं की। और हमेशा जब भी मैं मुंब्रा आती हूँ तो बाबा फ़करुद्दीन की दरगाह पे हमेशा आती हूँ। सबसे पहले मैं यहीं पर आती हूँ, फिर जो मेरा काम होता है वो मैं निपटाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह दरगाह का नया काम हुआ है, दरगाह कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी है। गुंबद का भी काम अभी ख़त्म हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही बड़ा स्पेस है दरगाह का माशाल्लाह। और यहाँ पर आकर मेरे दिल को बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद डायरेक्टली मैं चले गई गुलाब पार्क मार्केट में, जो कि मुंब्रा में है। और लास्ट में एंड में मरहबा फैब कलेक्शन, ये शॉप का नाम है जहाँ पर मैं हमेशा हमेशा आती हूँ, और यहीं से मैं कट पीसेस लेती हूँ और अच्छे से अच्छा ड्रेस जो मुझे बनाना होता है मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले भाई ने मुझे लाइट कलर बता दिया, क्योंकि मेरी डिमांड थी कि मुझे एक लाइट कलर का ड्रेस चाहिए और एक मैं लूँगी ब्लैक। तो ये लाइट कलर्स मैं देख रही थी, और देखिए ये इसके साथ भी ये दुपट्टा भी था रेडीमेड, और ये भी काफ़ी अच्छा था, और ये 2.25 मीटर का दुपट्टा था, तो इसको कटिंग करवा के लेना नहीं पड़ा, डायरेक्ट ये रेडीमेड है। कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना यूनिक स्काई ब्लू कलर। और ये कलर अभी फ़िलहाल में मेरे पास मेरे कपड़ों के कलेक्शन में नहीं है। वो साइड आप देख सकते हो पिस्ता कलर का ड्रेस भी भाई बता रहे थे, और येलो कलर का भी, वो मुझे नहीं समझ में आया। फिर रोज़ गोल्ड कलर का सेम पैटर्न में ये रोज़ गोल्ड कलर का भी ड्रेस भाई ने बताया, लेकिन ये भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे डार्क कलर लेना ही नहीं था। उसके बाद में ये वाले कलर का भी निकाला उन्होंने, कुछ लाइट पिस्ता टाइप कलर था, ये भी समझ में नहीं आया। तो आप देख सकते हो भाई के पास कितने कितने कलेक्शन है, और सेल भी लगी थी, वो अलग सेक्शन था। और ये पिस्ता कलर का ड्रेस और येलो वाला जो ड्रेस है ना, वो मेरे हस्बैंड को पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। ये ब्राउन भी उन्होंने निकाला, वो भी मुझे नहीं चाहिए था, तो एक ड्रेस पसंद करके मैंने साइड में रख दिया था। सेकेंड में ब्लैक पर आ गई, ब्लैक में उन्होंने 4-5 टाइप के जो पैटर्न से मुझे बताए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कौन सा पैटर्न लिया होगा। तो आप देख सकते हो ये दुपट्टा है, इसको अलग से कटिंग करवा के लेना पड़ता है, 2 मीटर 2.25 मीटर जो भी चाहिए। मैंने 2 ही मीटर लिया, क्योंकि मुझे दुपट्टा एकदम ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था। और ये भी एक पैटर्न ब्लैक में बताया था उन्होंने, और कपड़े लगा लगा के भी बता रहे थे, तो मुझे तो मतलब कन्फ्यूजन थी, लेकिन मैंने तो पहले ही चॉइस कर लिया था मुझे क्या लेना है। मेरे हस्बैंड थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे थे, ये भी एक पैटर्न उन्होंने बताया, लेकिन ये मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, तो ये तो मैंने फॉर श्योर ये तो लिया नहीं है। बाकी जो 2-3 पैटर्न थे उसमें से ही चॉइस करके लिया। और एक ये सिंपल लाइट वेट में ये भी ब्लैक कलर बताया, तो आप लोग अभी गैस करके मुझे ज़रूर कमेंट करना कि मैंने लिया एक्चुअली कौन सा है। तो देखिए ये भी ब्लैक है, ये वाला भी, और उसके अंदर आप कोई भी कलर, मतलब ज़्यादातर तो ब्लैक ही लगाते, लेकिन लाइनिंग के लिए आप लाइट पिंक वगैरह कलर भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको शेड बनाना है। मैंने जो लिया है ब्लैक कलर, उसमें मैंने लाइनिंग के लिए ब्लैक ही लगाया, और पैंट का भी मैंने ब्लैक ही कपड़ा लिया है। ये मेरे हस्बैंड को पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था, यू मीन मतलब आप समझ ही गए हो कि पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने ये लिया नहीं है। यस, मैंने ये भी नहीं लिया है, बाकी जो दिखाए 4-5 उसमें से ही लिया है। तो आप भी ज़रूर आना यहाँ पर मरहबा कलेक्शन में, बहुत ही अच्छे रीज़नेबल रेट में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कपड़े। और देखिए मैंने एक ब्लैक लिया, आपको दिख रहा होगा, और एक दूसरा कलर लिया है, कौन सा लिया है वो ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद में मैं MH कलेक्शन में आ गई, यहाँ पर कॉटन के ड्रेसेस आपको दिख रहे रहेंगे। यहाँ से मैंने 4 ड्रेसेस लिए, मुझे 4 ड्रेसेस लेने थे,
तो देखिए यहाँ पर इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है कॉटन के, और ये कॉटन जो है ये फैलता नहीं है, रेयन कॉटन नहीं है, ये रियल वाला कॉटन है, जो जो आप सिलाते हो धुलने के बाद में भी वैसे ही रहेगा, ये फैलेगा नहीं। तो यहाँ से भी मैंने 4 ड्रेसेस उठा लिए, और देखो कलेक्शन कितने अच्छे अच्छे इनके पास। इनकी शॉप का नाम है MH कलेक्शन, तो यहाँ पर भी ज़रूर एक बार विज़िट करना। तो फ्रेंड्स आज जो है मैंने सिर्फ अपने लिए शॉपिंग की है, इसके नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं अपने बच्चों और मेरे हस्बैंड के लिए शॉपिंग करूंगी, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेगा। तो अभी बज रहे हैं 6:15 और मुमरा मार्केट से अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी थकान होने लगी थी, पैर वैर भी दर्द होने लगे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चल नेक्स्ट डे रखते हैं मेरा और बच्चों का, क्योंकि मैं यहाँ से बांद्रा जाने वाली थी हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए कपड़े लेने, तो बोले अभी बांद्रा नहीं जाएंगे, किसी दिन जाएंगे, दो दिन या 3 दिन बाद जब भी टाइम मिलेगा। तो चलिए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने माँ बाप को बहुत सारा प्यार कीजिए, बहुत सारी इज्जत दीजिए। टाटा बाय बाय।